तो गाइस आज देखते हैं छः का तीन नंबर, लेकिन ये चार पाँच छः सात चार तीन और एक दो, ये चार को बिंदु दिया है तो बता देना है कि इसे चतुर्भुज बन रहा है कि नहीं। बन रहा है तो कौन सा चतुर्भुज बन रहा है, और नहीं बन रहा है तो देख देना है कि नहीं बन रहा है। तो सबसे पहले मान लेंगे, माना कि ए 4.5, बी 7.6, सी 4.3 तथा डी 1.2 मान लेंगे। इतना सब मान लेंगे, देखिए ये एक चतुर्भुज बनेगा इस प्रकार का। पता नहीं है कि किस प्रकार का बनेगा, मान लीजिए कैसे बनता है चतुर्भुज ए बी सी डी, ठीक है। ए बी सी डी एक चतुर्भुज बनता है, तो सबसे पहले ए बी बी सी सी डी और ए डी निकालेंगे। मान लें कि ये बनता है, तो ये चारों को निकालेंगे और उसके बाद क्या करेंगे कि इसका विकर्ण निकालेंगे। उसके बाद विकर्ण निकालेंगे ए सी और बी डी। यदि ये चारों भुजाएं बराबर आ जाता है तो वर्ग, चारों भुजाएं और विकर्ण भी बराबर आता है एक दूसरे के तो वर्ग होता है, और चारों भुजाएं बराबर है विकर्ण बराबर नहीं है तो समचतुर्भुज होता है। परंतु आमने सामने की भुजा बराबर हो और विकर्ण भी बराबर हो तो उसको आयत बोला जाता है, और आमने सामने की भुजा बराबर और विकर्ण बराबर नहीं आता है तो उसको बोला जाता है कि यह एक समांतर चतुर्भुज है। यही चार प्रकार इसमें आएगा। अब ए बी की बीच की दूरी, ए बी की बीच की दूरी एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर, यही होता है ना दूरी सूत्र। तो देखिए इसमें ए और बी लिया गया है, ए और बी, तो ए वाला जो होगा एक्स वन वाई वन होगा और बी वाला एक्स टू वाई टू का मान होगा, ठीक है। तो एक्स टू का मान 7 और वाई टू का मान है 4, तो यहाँ पे 7 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस वाई वन है तो y2 का मान है 6 और y1 का मान है 5, तो 6 माइनस 5 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो 7 में से 4 घटेगा तो 3, और 3 का स्क्वायर कितना 9 होगा, प्लस 6 में से 5 घटेगा तो 1, और 1 का स्क्वायर 1 होगा। इसको जोड़ देंगे तो ये कितना निकलेगा, रूट 10 निकलेगा। तथा निकालेंगे अब क्या, ये भी निकल गया तो अब बी सी निकालेंगे। बी सी की बीच की दूरी, BC की बीच की दूरी बराबर, देखिए BC BC है तो B यहाँ पे और C यहाँ पे है, तो अब X1 और Y1 हो जाएगा, ये X1 Y1 B वाला मान होगा और C वाला हो जाएगा X2 Y2। तो X2 का मान 4 और Y X1 का मान 7, तो 4 माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस y2 टू माइनस वाई वन है तो y2 का मान 3 और y1 का मान 6 है, तो 3 माइनस 6 का होल स्क्वायर होगा। 7 में से 4 को घटाएंगे तो बचेगा 3, और 3 का स्क्वायर 9 होता है, और 6 में से 3 को घटाएंगे तो बचेगा माइनस 3, तो माइनस 3 का स्क्वायर ये भी हो जाएगा 9, तो 9 में 9 जोड़ेंगे तो कितना 18 होगा। 18 का गुणनखंड कर देंगे तो ये 2 × 3 × 3 होगा, ये जोड़ा लगेगा तो ये बाहर निकल जाएगा, ये रूट में ही रह जाएगा, तो इसको 3√2 लिखा जा सकता है। उसके बाद क्या निकालेंगे, ए बी हो गया, बी सी हो गया, अब निकालेंगे सी डी, सी डी की बीच की दूरी, सी डी की बीच की दूरी। तो देखिए सी डी है तो सी पहले डी बाद में है, तो ये हो जाएगा एक्स वन वाई वन, एक्स वन वाई वन ये हो जाएगा, और ये वाला अब क्या हो जाएगा, अब डी वाला जो होगा एक्स टू वाई टू हो जाएगा, एक्स टू वाई टू। ये सूत्र होता है कि एक्स टू माइनस एक्स वन, तो एक्स टू का मान है 1 और एक्स वन का मान है 4, तो यहाँ पे 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर लिखेंगे प्लस वाई टू माइनस वाई वन होता है सूत्र, तो वाई टू का मान है 2 और वाई वन का मान है 3, तो 2 माइनस 3 का स्क्वायर लिखेंगे। तो देखिए 4 में से 1 घटेगा तो माइनस 3 का स्क्वायर होगा, प्लस 2 में से 1 घटेगा तो माइनस 1 होगा, तो माइनस 3 का स्क्वायर प्लस में 9 होगा और माइनस 1 का स्क्वायर प्लस में 1 होगा, इसको जोड़ देंगे तो 9 1 10, रूट में 10 हो जाएगा। उसके बाद क्या निकलेंगे, सी डी निकल गया तो अब ए डी निकाल देंगे। ए डी
की बीच की दूरी, एडी की बीच की दूरी बराबर रूट अंडर, ये क्या होता है x2 माइनस x1, तो अब क्या है a और d है, तो a यहाँ पे और d यहाँ पे, तो ये x1 y1 अब ये वाला हो जाएगा, x1 का मान 4 और y1 का मान हो जाएगा 5, x1 y1 यहाँ पे हो जाएगा। x2 माइनस x1 होता है तो x2 का मान है 1 और x1 का मान है 4, तो 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होता है तो y2 का मान 2 और y1 का मान है 5, तो 2 माइनस 5 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ये घटेगा तो एक में से 4 घटेगा तो माइनस में 3 बचेगा, माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 2 में से 5 घटेगा तो माइनस 3 का स्क्वायर हो जाएगा, तो माइनस 3 का स्क्वायर 9 प्लस माइनस 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, तो 9 में 9 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 18 होगा, और 18 के बदले क्या लिख सकते हैं रूट 18 का गुणनखंड करके इतना निकाला जा सकता है, तो 3 रूट 2 लिख देंगे। तो यहाँ देखिए ए बी 10 हो गया और सी डी 10 हो गया, बी सी 3 रूट 2 हो गया और बी सी 3 रूट 2 हो गया, यानी कि दो भुजा आमने सामने की भुजाएं जो होता है बराबर होता है, यानी कि ए बी जो है ए बी और सी डी, ए बी और सी डी क्या है बराबर है, और बी सी यहाँ पे देखिए बी सी और ए डी, बी सी और ए डी बराबर, यानी कि आमने सामने की भुजा बराबर हो गया। इससे क्या पता चलता है या तो ये समांतर चतुर्भुज होगा या एक आयत होगा, तो इसको कन्फर्म करने के लिए इसके विकर्ण को ज्ञात करेंगे, इस बात को आप लोग नोट कर लीजिएगा। अब इस लिखेंगे अब विकर्ण, विकर्ण पहला विकर्ण क्या है ए सी, ए सी की बीच की दूरी, ए सी की बीच की दूरी, ए सी की बीच की दूरी निकालेंगे तो अब ए और सी, ए यहाँ पे है और सी यहाँ पे है, तो सी वाला क्या हो जाएगा, सी बाद में है तो ये एक्स टू वाई टू हो जाएगा और ए एक्स वन वाई वन, तो सूत्र क्या होता है कि x2 माइनस x1, तो x2 का मान है 4 और x1 का मान भी है 4, तो 4 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 सूत्र होता है तो y2 का मान है 3 और y1 का मान है 5, तो 3 माइनस 5 का होल स्क्वायर होगा। यहाँ पे तो 4 में से 4 घटेगा 0, 0 का स्क्वायर 0, और 3 में से 5 घटेगा तो माइनस 2 का स्क्वायर होगा, तो 0 माइनस 2 का स्क्वायर 4 होगा, 4 में 0 जोड़ेंगे तो 4 होगा, इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 2 निकलेगा, तथा एक और विकर्ण निकाल देंगे, तथा विकर्ण विकर्ण हो जाएगा क्या BD, BD की बीच की दूरी, विकर्ण BD की बीच की दूरी बराबर। अब देखिए ये क्या है, पहले B है उसके बाद D है, तो अब ये x1 y1 b वाला हो जाएगा, ये हो जाएगा x1 y1 और x2 y2 हो जाएगा d वाला, ये x2 y2। सूत्र क्या होता है x2 माइनस x1, तो x2 का मान है 1 और x1 का मान है 7, तो 1 माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस उसका होता है y2 माइनस y1, तो y2 का मान है 2 और y1 का मान है 6, तो 2 माइनस 6 का होल स्क्वायर, तो एक में से 7 घटेगा तो माइनस में 6 का स्क्वायर होगा प्लस 2 में से 6 घटेगा तो माइनस में 4 का स्क्वायर हो जाएगा, तो माइनस 6 का स्क्वायर कितना 36 प्लस माइनस 4 का स्क्वायर 16, 36 में 16 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 52, रूट में 52 आ रहा है। तो यहाँ देखिए यहाँ पे विकर्ण ए सी है और यहाँ पे विकर्ण बी डी है, तो विकर्ण जो है बराबर नहीं आया, लेकिन आमने सामने की भुजाएं क्या हो रहा है बी डी ए बी और सी डी, ए बी और सी डी बराबर आ रहा है और बी सी और ए डी बराबर आ रहा है, तो बी सी और ए डी बराबर आ रहा है। जब आमने सामने की भुजाएं बराबर है और विकर्ण बराबर नहीं होता है तो होता है एक लिख देंगे क्या था ए बी बराबर सी डी तथा बी सी बराबर ए डी, बी सी बराबर ए डी और विकर्ण ए सी नॉट इक्वल टू, ए सी जो है बराबर नहीं है किसके बी डी के, ए सी नॉट इक्वल टू बी डी, अतः यह एक समांतर चतुर्भुज है, इस बात को आप लोगों को लिख लेना है।
अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। 7 नंबर लिखा है कि एक शख्स पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2.-5 और -2.9 से शब्दग्रस्त है। यानी कि एक शख्स पर बिंदु ज्ञात करना है, ठीक है। दो बिंदु दिया है, पहला को ए मान लीजिए, दूसरा को बी मान लीजिए। ए वाला 2.-5 और बी वाला -2.9 मान लीजिए। और कह रहे कि समद्रस्त, समद्रस्त का मतलब क्या होता है कि इसके बीच में स्थित है, समान दूरी पे स्थित है दोनों के। तो मान लीजिए कि यहाँ पे दोनों का समद्रस्त है, इसको पी मान लीजिए। और एक शख्स पे कहा है ना, तो जब भी एक शख्स पे कहेगा तो वाई का मान इसमें 0 होगा, तो मान लेंगे 0। और वाई एक्स पे कहेगा तो 0, y माना जाएगा। तो ये एक शख्स पे कहा है तो 0 मान लेंगे। तो जो दिया है सबसे पहले उसको लिखेंगे, दिया है एक्स अक्ष पर बिंदु ए 2.-5 तथा बी -2.9 है। माना कि एक्स अक्ष पर ए बी से समदूरस्थ बिंदु पी 0 है। समदूरस्थ बिंदु जो है 0 मान लेंगे ये जो बिंदु। अब इसलिए लिख देंगे, इसलिए समान दूरी पे है तो ए पी बराबर क्या होगा, बी पी होगा। ए पी बराबर बी पी होगा, ठीक है। जब समान दूरी पे तो इसके बराबर ये होगा, ठीक है। तो ए पी बराबर लिख देंगे बी पी। तो अब दूरी सूत्र से दोनों को निकालेंगे। तो दूरी सूत्र होता क्या है कि x2-x1 का होल स्क्वायर प्लस y2-y1 का होल स्क्वायर। तो ए पी, ए है उसके बाद पी है, पहले ए उसके बाद पी। तो ए वाला जो होगा x1 y1 होगा और p वाला x2 y2 होगा, ठीक है। तो सूत्र क्या आते हैं x2-x1, तो x2 का मान x और x1 का मान 2। तो x-2 का होल स्क्वायर प्लस होता है y2-y1 का होल स्क्वायर। तो y2 का मान 0 और y1 का मान है 5, माइनस में 5 है तो 0 - -5 का होल स्क्वायर हो जाएगा बराबर बी पी। इसके बाद क्या है, बी पी है तो बी वाला जो होगा, पहले बी है तो यह हो जाएगा x1 और यह जाएगा y1। तो x2-x1 होता है ना, तो x2 का मान x और x1 का मान है -2। तो इसमें लिखेंगे x - x2 का मान है -2 का होल स्क्वायर प्लस y2-y1 होता है तो y2 का मान है 0 और y1 का मान है 9, 0 - 9 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब रूट को हटाने के लिए दोनों तरफ वर्ग कर देंगे, लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर दोनों तरफ वर्ग किया जाएगा तो रूट तो हट जाएगा। लेकिन अब इसको सॉल्व हम करेंगे, इसको ए माइनस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ेंगे। तो सूत्र क्या होता है, a² - 2ab + b². तो a² x को a मानिए, इसको b मानिए, तो x² - 2 ए का मान x और b का मान है 2 और प्लस में होता है b², तो b का मान 2 है तो 2² प्लस ये -+ हो जाएगा, -+ 5 होगा और 5 में 0 जोड़ेंगे तो 5 ही होगा, तो 5 का यहाँ पे स्क्वायर होगा बराबर ये -+ हो जाएगा। तो x+2 का होल स्क्वायर यानी a प्लस b का होल स्क्वायर होगा, ये -+ होगा तो इसको a प्लस b के होल स्क्वायर पर तोड़ेंगे। तो a का मान x, तो x² + 2ab होता है तो 2, a का मान x और b का मान है 2, प्लस में b² आता है तो 2² प्लस ये 0 में से 9 घटेगा तो माइनस में 9 बचेगा तो -9 का स्क्वायर होगा। ये तो x² होगा, ये गुणा कर देंगे तो -4x हो जाएगा, ये स्क्वायर करेंगे तो 2² = 4 और 5² = 25 हो जाएगा। ये x² + 2×4x + 2² = 4 और प्लस -9² + 81 होता है। अब देखिए यहाँ पे
एक्स स्क्वायर ये बराबर के इधर उधर है, दोनों प्लस में रहता है तो कट जाता है, आसानी से कट जाएगा, अब कोई नहीं कटेगा। तो एक्स वाला को एक तरफ और अंक वाला को एक तरफ कर दीजिए, तो इधर है माइनस चार एक्स और ये वाला एक्स को इधर लाइएगा तो माइनस में चार एक्स हो जाएगा बराबर। ये 25 में 4 जोड़िएगा तो कितना होगा 29 हो जाएगा और 81 में 4 जोड़िएगा तो 85 हो जाएगा। तो यहाँ पे 85 और प्लस में ये जोड़िएगा तो 29 इधर आएगा तो माइनस में 29 हो जाएगा। ये माइनस माइनस है तो जुड़ जाएगा तो माइनस में 8x हो जाएगा और इसको घटा देंगे 85 में से 29 को तो 56 बच जाएगा। इसलिए x बराबर 56 बटा माइनस 8 होगा तो 8 सत्ते 56 होता है तो x बराबर कितना निकला माइनस 7। तो x का मान माइनस 7 हो जाएगा, आंसर लिख देंगे अतः x अक्ष पर बिंदु P माइनस 7.0 है, एक्स अक्ष पर बिंदु कितना होगा माइनस 7.0 यही आंसर हो जाएगा। कोई डाउट है? अगर डाउट होगा तो आप लोग पूछ सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन जो अगले वीडियो में देखा जाएगा।